झारखंड की राजनीति में इन दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की काफी चर्चा है। वायरल अश्लील वीडियो आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय शुरू से ही आक्रामक नजर आए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उनकी आक्रामकता का जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग विरासत की राजनीति करने वाले लोग हैं और मैं हिरासत की राजनीति करता हूं। मामले में सरयू राय ने कहा कि बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, कई सबूत विधानसभा में वह दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के दबाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। दाम पर खरीद दी गई उसका सबूत दिया जाता है। कोविड में जो प्रोत्साहन राशि मिलनी है कोविड वॉरियर को, उसको मंत्री अपने सहित अपने सचिवालय के 60 लोगों का नाम भेज देते हैं कि साहब इनको भी मिलना चाहिए, अपना बिल खुद बना के भेज देते हैं कि पैसा हमारे इस बैंक खाता में जमा किया जाए। तो जितने सवाल उठे हैं तो हर सवाल में मैं देखता हूँ कि सरकार का रुख ये है कि ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के आला कमान से कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, इसमें क्या किया जा सकता है। यानी राज्य की जो सरकार आज है, मुख्यमंत्री हैं, उनको उनका अपने कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस के जो कुछ मंत्री हैं वे मंत्री उनके नियंत्रण से बाहर हैं। तो इस सरकार तो स्प्लिट गवर्नमेंट हो गई है, दो तरह की सरकार हो गई है। JMM के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो जो चाहे मनमर्जी अपना करें। मुख्यमंत्री चाहकर भी संबंधित संचिका अपने पास नहीं मंगा सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष की रूलिंग होती है, निर्देश होता है कि भेजिए, वो नहीं जाती है। मुख्यमंत्री का सचिवालय लिखकर भेजता है कि साहब ये फाइल आप लोग भेजिए, नहीं जाती है। तो मेरा मूल प्रश्न ये है कि एक मंत्री के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो जिस सरकार में मंत्री है वो सरकार के मुख्यमंत्री का कोई बस उस पर है कि नहीं, कोई नियंत्रण है कि नहीं उसके ऊपर। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग विरासत की राजनीति करने वाले लोग हैं और मैं हिरासत की राजनीति करने वाला लोग हूँ। मैं हिरासत में रहकर मार खाकर जेल जाकर लड़कर गरीबी गुर्बत का आवाज़ उठाकर पिटाकर कुटाकर मैं नेता बना। मेरे कोई बाप दादा और मेरा कोई परिवार में नेता नहीं है। इसलिए जो लोग विरासत की राजनीति करते हैं वो हिरासत की राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ना मैं डरने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, ना दबने वाला हूँ और ना कोई माई कलाल मेरा बाल बाका कर सकता है। अरे विरोध फिरोध करने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई जो मेरे मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो मुझको जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने मेरा बचपन देखा है, जेल के केस मुकदमा और गरीब के लिए लड़ते हुए।